Glitter like you're in a thriller, heart goes pump, pound pound. figures that can get so bitter, Show you want to enter. You can turn back to you, don't you? Don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters are like to come alive. Break me like a girl, you know. तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने 22 इंच का एक एक मोल ले लिया जिसमें मैं तेल से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ चारों तरफ भी ग्रीस करना है और ये लगा दिया बटर पेपर बटर पेपर में भी अच्छे से तेल लगा लेना है और ये मैंने ले लिया एक कप चीनी और दूसरे बर्तन में मैं ले लूँगी दो कप मैदा इसको हम अच्छे से छान लेंगे छानने के बाद जो है मैं इसमें डालूँगी दो चम्मच चॉकलेट पाउडर और इसके बाद आप मेरे हाथ में चम्मच देख सकते हैं इससे मैंने ढाई चम्मच कोका पाउडर डाला है इससे दो चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और आधा चम्मच से कम ही है ये मतलब वन टी स्पून बोल लीजिए बेकिंग पाउडर और इसमें मैं डालूँगी इसी कप से एक कप मिल्क पाउडर और इस मिक्सचर को जो है हम अच्छे से मिक्स करके किनारे कर लेंगे और हम लोगों का जिस बर्तन में चीनी है इसमें एक बाउल तेल डालेंगे और इसी बाउल से एक बाउल दूध डालेंगे हम चम्मच जो है वो विनेगर डालूंगी और इसमें डेढ़ चम्मच वनीला एसियस डाल रही हूँ और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी हम लोगों का घुलना चाहिए और ये मैं दो चम्मच चीनी डाल रही हूँ इसमें हल्का सा पानी शुगर सिरप बनाने के लिए मैं ले रही हूँ इसको हम किनारे कर लेंगे और ये हम लोगों का जो मिक्सर था इसमें हम लोगों ने जो घोल रेडी किया है वो डाल देंगे और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पहले मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बर्तन शायद छोटा हो गया है इसको हम चम्मच से पहले मिला लेंगे ताकि गांठ ना बने नीचे और इसके बाद जो है हम जोर ज़ोर से हाथ चलाएंगे देख सकते हैं किस तरीके से मैं मिला रही हूँ लम्स फ्री बैटर बनाना है ये बैटर हम लोगों का जितना अच्छा बनेगा उतना केक हम लोगों का अच्छा फूलेगा आप देख सकते हैं ज़्यादा थिक नहीं है इसी तरीके का बैटर रखिए और केक मोल्ड में जो है हम सारा बैटर डाल देंगे और बैटर डालने के बाद जो है इसको हम बेक होने के लिए रखेंगे देखिए मेरा पेचरा भी टूट गया है खरीदना पड़ेगा दूसरा और इसको जो है हम इक्वल कर लेंगे तो केक हम लोगों का इक्वल निकलेगा और कड़ाही में मैंने नमक डाल दिया हीट होने के लिए इसमें स्टैंड डाल के केक मोल्ड हम डाल देंगे और इसके बाद कवर करके स्लो फ्लेम पे 45 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे देखिए बहुत ही अच्छा केक हम लोगों का फूला है और नाइफ़ मैं इसके अंदर डाल करके आपको दिखा रही हूँ पूरा क्लीन निकल रहा है इसको हम ठंडा होने देते हैं उसके बाद हम इसका काम करेंगे ये क्रीम मैंने ले लिया है इसमें मैंने एक चम्मच चीनी डाला है क्योंकि इसमें चीनी नहीं है पहले हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे फिर हम ये बीटर से बीट करेंगे इसको नहीं तो पूरा वो उड़ जाएगा वो बर्तन भी छोटा पड़ गया तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया है इसको जो है हम बीट कर लेंगे तो क्रीम जो है हम लोगों का बिल्कुल अच्छी तरीके से वीट हो गया है मैं आप लोगों को बर्तन पलट करके दिखा रही हूँ देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है तो इस क्रीम को जो है हम एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो दूसरे बाउल में मैंने क्रीम को रख लिया है उसके बाद हम फिलअप करेंगे पीपिंग बैग में और उसके बाद जो है केक हम लोगों का ठंडा हो गया है इसको मैं तो चलिए केक को हम काट लेते हैं तो केक को जो है वो मैं चार लेयर में काटूंगी क्योंकि केक जो है वो बहुत बड़ा बना है और ये आप देख सकते हैं केक हम लोगों का बहुत ही अच्छा बना है आप देख सकते हैं उठा रही हूँ तो लग रहा है कि टूट जाएगा इतना अच्छा ये केक हम लोगों का बना है तो ये हम लोगों का तीसरा लेयर है और सबसे नीचे चौथा हो गया तो केक का जो बेस होता है उसमें मैं नीचे क्रीम लगा रही हूँ और इसके बाद जो है ये पहला लेयर चला गया इसमें हम शुगर सिरप लगा देंगे आपने देखा था कि मैंने बना के रख लिया था और इसके बाद जो है हम क्रीम डालेंगे और क्रीम डालने के बाद जो है दूसरा लेयर लगाएंगे इसके ऊपर भी सिरफ लगाएंगे फिर क्रीम डालेंगे सेम प्रोसेसिंग है चारों लेयर में और ये हम लोगों का सबसे ऊपर का हिस्सा इसमें भी हम सिरप लगा लेंगे और अभी जो हम क्रीम लगा रहे हैं वो चारों तरफ भी लगाना है और ऊपर भी लगाना है तो पूरा मैंने क्रीम से जो है वो भर दिया है और आप देख सकते हैं कि मैं स्केल से ही इसको इक्वल कर रही हूँ क्योंकि इसको फिनिशिंग का जो ये काम होता है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है और केक का जो है इसके ऊपर मैं चॉकलेट डालूँगी तो मैं फ्रिज में डाल दी हूँ केक को और चॉकलेट मैंने निकाल लिया है यह अमूल का डार्क चॉकलेट है इसको हम ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे केक के ऊपर डालने के लिए और इसके बाद हम मेल्ट होने के लिए रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि प्लेट में जो है वो मैंने ग्रेट करके रख लिया है केक के ऊपर डालने के लिए और पानी मैंने गैस पे रखा है गर्म होने के लिए और आप देख सकते हैं जिस बॉल में मैंने चॉकलेट डाला है वो पानी को छू नहीं रहा है और उसके बाद जो है हम हल्का हल्का दूध डालेंगे एक बार में ही नहीं डालना है और इस तरीके से जो है वो चॉकलेट को मिक्स कर लेंगे ताकि केक के ऊपर जब हम डालें तो वो जैसे आप देखते हैं कि बेकरी वेकरी से हम लोग खरीद करके लाते हैं तो वो पूरा शाइन करते रहता है ऊपर में तो इसको हम इसी तरीके से मिलाएंगे और दूध एक बार में ही नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर क्रीम पूरा अंदर से आप लोगों का दिखेगा तो केक जो है हम लोगों का क्रीम से पूरा अच्छी तरीके से सेट से हो गया है चॉकलेट भी हम लोगों का ठंडा हो गया है तो चॉकलेट को ज़्यादा मैंने पतला नहीं रखा है मोटाई आप देख सकते हैं और केक के ऊपर मैंने चॉकलेट डाल दिया है पूरा और इसके बाद जो है मैं इस तरीके से हल्का हल्का सा टेरा कर रही हूँ ताकि किनारे किनारे में भी जो है वो हम लोगों का चॉकलेट लग जाए सिर्फ हम लोगों का और ग्रेट किया हुआ चॉकलेट जो मैंने रखा था वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ और किनारे किनारे में भी चॉकलेट लगा दूंगी तो अगर आप लोगों को ये केक की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आ, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ क्योंकि मैंने कोई बेकरी वेकरी का कोर्स तो नहीं किया हुआ है लेकिन केक आप देखिए और इस तरीके से आप बना करके देखिए बहुत ही टेस्टी केक मतलब बनता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और आपने देखा है कि मैंने काट करके भी आपको दिखाया है